एन यू न्यूज, सच को जो लाए सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं एन यू न्यूज। इस वक्त मैं यूनिट नंबर 30 गोरेगांव के आर्य कॉलोनी में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक एरिया है मोराचा पाड़ा, यहाँ की मैं आपको हालत दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान का नारा चलाया जाता है पूरे भारत में, और इसी भारत में कोरोना से तो कम, लेकिन यहाँ के जो नागरिक हैं यहाँ बीमारी से ज़्यादा ग्रसित हो रहे हैं, बीमारी से बीमार पड़ रहे हैं। यहाँ गंदगी इतनी है कि यहाँ की गंदगी से यहाँ से लोग बीमार पड़ रहे हैं। आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मोराचा पाड़ा का एरिया है, यूनिट नंबर 30 गोरेगांव के आर्य कॉलोनी में मौजूद हूँ। यहाँ पर इनका सीधा सीधा आरोप है कि यहाँ पर न नगर सेविका आती है, न आमदार खासदार, कोई यहाँ पर ध्यान नहीं देता है। यहाँ तक कि इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे बीएमसी के कर्मचारी आते हैं, सफाई कर्मचारी, और इनके घरों से कचरा लेते हैं, और जबकि रोड का कचरा ये लोग साफ नहीं करते हैं। ये लोग बोल बोल के थक गए। इसी सिलसिले में हम यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, यहाँ की नागरिक भी हैं, इनों से मैं पूछना चाहता हूँ। ये बताएंगे खुद, आप देख लीजिए, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये साफ सफाई, ये बताइए ये साफ सफाई यहाँ पे होता है कि नहीं होता है। साफ सफाई मतलब आते हैं कचरा साफ करने ले आते हैं, लेकिन घर घर का लेके जाते हैं, रोड का इसी छोड़ के जाते हैं। अब बोलने जाएंगे ना तो बोलते कल आते हैं, परसों आते हैं, ऐसा करके चले जाते हैं लोग। तो आपने किसी को यहाँ के नगर सेविका वगैरह को आप लोगों ने मैसेज भिजवाया था कि गंदगी होता है? एक है, लेकिन वो आती है बोलती है, जब भी हम लोग बोलेंगे ना एक दो दिन करवाती है, फिर वापस वैसे ही रहता है। ये जो गंदगी ऐसा रहता है, ये डेली ऐसे ही रहता है? ये डेली ऐसा ही रहता है। ये कितने महीने से, क्या साल से ये गली पूरी सड़ गई थी। यहाँ पे कोई आ जा नहीं सकता है, कचरे की थैली संडा गली का। ये गली का रास्ता कौन बनवा के दिया आपको? ये पूरा गली हम लोगों ने पैसा निकाल के, घर वालों लोग ने। ये गली आप लोगों ने बनवाया, अपने अपना पैसा निकाल के बनवाया? अपना पैसा निकाल के मेन ये खड़े होके, ये भाई मैंने 15-16 हजार रूपए लगाया तभी ये बना। इधर से पूरा 2 महीना तक कोई गया ही नहीं, ऐसी हालत हो गई थी। ये किसी ने फंड नहीं दिया? अरे कोई फंड नहीं दिया, फंड कोई नहीं दिया। हम लोग यहाँ पूरा बना के, बच्चे लोग आते गली में ऐसे गिर जाते थे, उसके बाद भी हम लोग फिर जो भी थोड़ा बहुत निकाला, 15-16 हजार रूपए खर्च करके पूरा रास्ता बनाया। कल इधर आया कचरा वाला, उसको मैं बोला 50 रूपए ले डाल दे, तो बोलता आता हूँ, फिर भी नहीं लिया। कितना बार कचरे वाले को 50-50 रूपए दे के हम लोग डालते हैं। के लिए बोलेंगे ना तो उन लोग बोलते हैं पहले 50 रूपए 100 रूपए हाथ में दो, पैसा नहीं डालेंगे। अभी तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे गंदगी कितनी है। यहाँ पे पूरा मतलब कोरोना से तो कम, लेकिन यहाँ के गंदगी से लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, यहाँ के लोगों का कहना है। और ये गली का जो इन लोगों ने निर्माण कराया है, ये लोग बोल रहे हैं कि खुद हम लोगों ने पैसा जमा करके और ये गली का रास्ता बनाया है। ये देख सकते हैं यहाँ पे इनको कोई फंड नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। गली के मैं रास्ता दिखा रहा हूँ आपको, ये अंदर का रास्ता देखिए कितनी गंदगी है यहाँ पे। यहाँ पे कोई कवरिंग नहीं किया गया है, कोई साफ सफाई नहीं है। ये आपको गली का रास्ता मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ के लोगों का सीधा सीधा आरोप है कि हम लोग अगर सफाई कर्मचारी को बोलते हैं कि यहाँ से आप कचरा उठा लो, तो सफाई कर्मचारी इनसे पैसे मांगता है, 50 रुपए की डिमांड करता है। सफाई कर्मचारी बोलता है कि हमको 50 रुपया दो तो हम रोड का कचरा उठाएंगे, जबकि इनके घरों में जाकर के कचरा लेता है। ये यहाँ का मैं आपको दावे का पोल खोल रहा हूँ। ये जो दावे किए जाते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान है, ये गंदगी देख लीजिए, मैं आपको गंदगी दिखा रहा हूँ सामने से, कितनी गंदगी है। यहाँ पे मक्खियाँ भनक रही हैं पूरी तरह से, एकदम स्वच्छ भारत का अभियान पूरे भारत में चलाया जा रहा है, लेकिन इतना गंदगी है यहाँ पे कि यहाँ पे कोरोना से कम और बीमारी से ज़्यादा लोग मर रहे हैं और ज़्यादा तकलीफ हो रहा है लोगों को। यहाँ पे कितने लोग हॉस्पिटल में भी एडमिट हो चुके हैं ये बीमारी की वजह से। यहाँ पे इतनी गंदगी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए सामने से गंदगी कितनी है। यहाँ के लोगों का सीधा सीधा आरोप है कि यहाँ पे ना नगर सेविका आती है और न यहाँ के आमदार खासदार ध्यान देते हैं। आगे देखते हैं कि ये वीडियो हमारा कहाँ तक जाता है और ये नगर सेविका इस पर ध्यान देती है कि नहीं। ब्यूरो चीफ रफीक अली के साथ मैं सिराज मंसूरी, एनी न्यूज़ मुंबई।